pretty? Bob? Cap, how do you pretty? हेलो, गुड इवनिंग। और अभी शाम के बज रहे हैं 6 और बस ये ड्यूटी से आए हैं तो मैं चाय बना रही हूँ उनके लिए भी, अपने लिए भी। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, सब्जी लाना है, आज मार्केट डे है। तो उनने बोले कि ऐसे ही चलते हैं, तो मैंने कही नहीं नहीं चाय पी के जाओ, कम से कम थोड़ा कुछ खा पी लो तब चलें तो ठीक रहता है। और बस तैयार तो मैं हूँ ही, और बस चाय के साथ थोड़ा सा नमकीन पोहा खा लेते हैं तो एनर्जी बनी रहती है, ऐसे तो ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं। इसमें वो लगता है और बस अभी आके मैं निकाल रही हूँ सब्जी थोड़ा सा फ्रेश होके। और ना मार्केट का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी, मेरा मोबाइल का पूरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। आज ना हम लोग सब्जी भी ज़्यादा नहीं लाए हैं, थोड़ी बहुत जल्दी जल्दी गए हैं, जल्दी जल्दी आए हैं क्योंकि आज दिया लोग आने वाले हैं खाने पे रात में डिनर में। तो आज हमारे यहाँ चिकन बनने वाला है, तो मैं ना दादू काव्या लोग के लिए सोया पुलाव बना रही हूँ क्योंकि वो दोनों नहीं खाते हैं, तो बस जैसे मैं बनाती हूँ ना उसी तरह से वो दादू और काव्या सोया पुलाव बहुत अच्छे से खा लेते हैं। उन लोग को ना सोया बड़ी बहुत पसंद है, सब्जी में भी वो लोग के लिए कुछ नहीं तो सोया बड़ी ही बना देती हूँ मैं अधिकतर, तो जैसे कुछ सब्जी नहीं खाते हैं तो खा लेते हैं बहुत शौक़ से। और दादू को तो आलू भी पसंद नहीं है बाबा, तो आलू भी नहीं खाता है, थोड़ा सा मसालेदार अच्छा लगता है ना। और हम भी खा लेते हैं, हम लोग भी बहुत शौकीन हैं सोया पुलाव के, कोई भी पुलाव हो गोभी वाला हो वो भी मुझे बहुत पसंद है। और बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुकर को लगा देती हूँ, फिर ना मैं मसाला वसाला तैयार करूँगी क्योंकि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की। और बस थोड़े से फले दाने लिए है, थोड़ा सा धनिया और एक चम्मच जीरा ले लूँगी। और ना ये मसाला ना थोड़ा भूंज लो तो पिसा भी जाता है अच्छे से और टेस्टी भी लगता है। और साथ में कुछ ये वाले मसाले जो हैं ये लेने वाली हूँ मैं, जिसमें 2-3 छोटी इलायची, 2-3 बड़ी इलायची है, और तेज पत्ता है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, लौंग है, थोड़ा सा पोस्ता दाना है मतलब खसखस है, और दालचीनी है, और जायफल था थोड़ा सा। तो जो खड़े मसाले मिक्स वाले आते हैं ना उन्हीं में से मैंने निकाल ली हूँ, और हम लोग वैसा मिक्स करा हुआ ही लेते हैं, अलग से कुछ कुछ सामान नहीं लेते हैं। और मसाला बहुत अच्छा बनता है और ना टेस्टी भी लगता है सब्ज़ी में, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना। और कुछ लोग खड़ा खड़ा डालते हैं इधर पर तो उसका पता नहीं टेस्ट आता है कि नहीं, पर ऐसा बहुत टेस्टी लगता है। प्याज भी पीस ली हूँ, मसाला भी तैयार है, और बस यहाँ पर जीरा डाल के तेज पत्ता डाल के पहले प्याज भूंजेंगे। और ना लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास तैयार रखा हुआ है, तो ऐसे पीस के रख ली हूँ ना मैंने, तो कभी भी ज़रूरत पड़ती तो बस फ्रीजर से निकालो और सब्जी में मिला दो तो झंझट नहीं होती लहसुन छीलना है और अदरक छीलना है कि, तो काम इजी हो जाता है। हल्दी मिला दिए ताकि छिटके ना, और इन्होंने ना थोड़ा सा हल्दी और नींबू लगाए हैं ये चिकन में, और क्योंकि ये थोड़ा सा सेंट करने लगता है।
और बस यहाँ पे मैं सूखे मसाले तैयार कर रही हूँ, हल्दी, मिर्च, नमक और जो मसाला मैंने तैयार किया है वही वाला हम इसमें मिलाएंगे। तो मैं सोची ना कि थोड़ा मसाला ज़्यादा ना हो जाए करके मैंने इसमें पानी नहीं मिलाया था, पानी मिला के नहीं पीसी थी, ऐसे सूखा सूखा पीस लिया है। पर अब मैं पूरा मसाला इसमें मिलाने वाली हूँ, एक आध चम्मच इतना छोड़ा था मैंने बस, क्योंकि ज़्यादा नहीं था मसाला, बस थोड़ा सा धनिया ज़्यादा था बस। और बस इसको पानी से भिंगा लूँगी तभी सब्ज़ी में मिलाऊँगी ताकि अच्छे से पक जाए ये। और बस साथ में टमाटर कट करना है तो एक बड़े साइज का टमाटर ले लिया है, टमाटर पीस के नहीं डालते हम लोग, इसी से ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है, जो मसाले हमने मिलाए हैं ना उसी से अच्छी ग्रेवी हो जाती है। और प्याज तो पिसा हुआ डला ही है, तो बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ बहुत दिन हो गए हाँ, तो बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे दिया लोग को बुलाएंगे खाने पे, बुलाएंगे करके, तो आज कल के चक्कर में हो ही नहीं रहा था। और फिर बीच में सावन आ जाएगा अभी, तो सावन भर खाएंगे नहीं, तो बस आज मतलब आज हाँ सोचे और बुला लिए। और बस इसमें चिकन मिला के पका लेंगे, इतना इजी है इसको बनाना ना, बहुत इजी है, और आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना। और इसको ना अभी ऐसे ही पकने देंगे एकदम धीमी धीमी आँच पे, अभी इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे, इसका ही अपना पानी निकलता है तो उतना काफ़ी हो जाता है। पर थोड़ा सा हम लोग चावल भी खाते हैं तो रस चाहिए, तो बाद में पानी मिलाएंगे 10-15 मिनट बाद, तब तक के पकेगा धीमी धीमी आँच पे। और बस मैं रोटी बनाना भी स्टार्ट करती हूँ, चावल बन गया है तो दाल चावल नहीं दाल नहीं चावल सब्जी रोटी और पुलाव, तो बच्चे लोग खा लेंगे पुलाव। वैसे अभी खा नहीं रहे, खेल रहे हैं दिया के साथ, दिया लोग आ गए हैं पर वो लोग वाले रूम में बैठे हैं, क्या है ना मैं खाना बना रही हूँ लेट हो गए, 9 बज रहा है अभी फ़िलहाल तो। और बस मैं बना रही थी रोटी तो मैंने बोली मेरे हाथ थोड़े गंदे हैं तो आप चम्मच चला दो इसमें, तो बस ये आए हैं देखने के लिए, क्योंकि ना टाइम हो जाता है तो फिर एकदम ऐसा लगता है पता नहीं होगा कि नहीं टाइम पे खाना बनेगा कि नहीं, और मालूम रहता है ना कि हाँ आज खाना है, तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। और ये ड्यूटी गए, ड्यूटी से आए फिर हम लोग सब्जी लेने गए, इसीलिए टाइम हो गया, नहीं तो फिर जल्दी हो जाता है। और ऐसे भी तो लेट खाते ही हैं खाना 10 बजे तक, तो 10 बजे तक हो ही जाएगा और रोटी भी बस होने ही वाली है और सब्जी भी बन जाएगी 15-20 मिनट में, तो हो जाएगा। अभी मैं इसमें पानी मिलाने वाली हूँ, थोड़ी देर में मिलाऊँगी, क्योंकि इसमें ना अपना ही पानी निकलता है तो उसमें अच्छे से पक जाता है, और ये जितना भी हम मसाले वसाले यूज़ करते हैं ना वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये देखिए सब्जी भी बनके तैयार है, साथ में मैंने किचन भी साफ कर ली हूँ, खीरा भी काट ली हूँ, बच्चों के साथ खेल भी ली हूँ, बहुत सारे काम भी हो गए, सब्जी बनती रही अपनी, हीटर पे चढ़ा दी थी और बस थोड़ा सा चिकन कैच का चिकन मसाला मिलाया है, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है, बस धनिया मिलाना है और सब्जी तैयार है, खाना पूरा तैयार है, आप लोग भी आ जाइए। और हाँ न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट लाइक करिएगा। खाना खा लेना दिया दीदी के साथ।
और आ जाइए सब लोग खाना खाने के लिए हमारे साथ। और हम लोग तो हंसते खेलते खा रहे हैं। बाय बाय करो। जस्ट मैंने अभी कपड़े सुखाई हूँ अपने और पूजा हो गई है। 10 बज रहे हैं और रात में ब्लॉग का एंड नहीं की थी क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा काम हो गया था। बर्तन वर्तन सब धोना पड़ा था। ये देखो ट्रक खेल रहे हैं, इन्होंने निकले हैं, अब ये दिन भर निकले रहेंगे, है ना। एक ना हमने इससे भी बड़ा ट्रक देखे थे, बहुत प्यारा था वो। अच्छा इतना बड़ा था, इतना बड़ा, पर वही फिर मैंने ना मना कर दी जगह वगैरह कहाँ पड़ा रहेगा करके, नहीं तो बहुत प्यारा था वो, इतना इतना बड़ा था, इतना बड़ा ट्रक, अच्छा लग रहा था। इसके पापा बोले ले लेते हैं, ले लेते हैं, मैंने ही मना कर दी, तो फिर हम लोग ये वाला ले लेते हाँ 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 तो चलो बाय कर लो, बाय 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 कर लो, बाय बाय। मैं ना ऐसे बैठ के ना उसको चलाता। अच्छा यहाँ काव्या भी है, काव्या भी बाय करेगी ना। नहीं का बाय कर लो। अच्छा फिर आपके लिए भी खिलौना लेंगे, आज काव्या ने नहीं है तो टिक्की भी नहीं लगाई है। देखो कल काव्या गिर गई थी तो यहाँ निशान हो गया है काव्या, देखो ये देखो, ये देखो मैं आपसे बड़ा हूँ, निशान हो गया है काव्या।